वेलकम एक नाजिम गटेल लाइन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेटर रही चुका है जी डी ए जो हिस्सों आन मर्कजी क्यादत जी डी ए जी मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मूसा गड साई वेलकम चौंता पे प्रोग्राम में साई एक तरफ त जे यू आई एफ जो नाराजगी पीपल्स पार्टी से नून लीग से पी जगह से इलेक्शन जी अज एक इंटरव्यू में बीबीसी उर्दू के इंटरव्यू दीदे ख्वाजा आसिफ जो है तो मुमकिन नए आर्मी चीफ की तैनाती का पैर ही इलेक्शन थे जरदारी साहब उनके जवाब दिनो त इंतखाबी इसलाहत का पोई इलेक्शन थी उन अग में इलेक्शन को चंद सर डॉक्टर साहब बुनियादी अजू कुछ थोड़ा साहब गुज्ता बिन टन महीन में और जड़े नमूने या रिजीम चेंज जो शे जी सामू आई आने गाल समझी कुछ कुछ हुकूमत ठाई वही और उन हुकूमत के सजे अमल में जरदारी साहब की सिंध हुकूमत भी उन अरेंजमेंट में तक हमेशा चवे कि अरेंजमेंट में शामिल हुआ और उन अरेंजमेंट के तहत ये हुकूमतू ठूँ और उन अरेंजमेंट के तहत यानी उनके दवाम बख्शो हुकूमत के मुझे नजर में पंज साल पूरा करना तमाम जरूरी हुआ छाजे करे जो पांजो गुज़िश्ता का जो हुकूमत ठही हुई उन पाल मुकमल किया है उनके सो अंदरों जरूर चेंज थी सके तो पार्टी के अंदर आई आई हुए पर एक पार्टी की हुकूमत के तब्दील कर उनके बी पार्टी की मलकूबे की हुकूमत आण इन वो सो मामलो डिस्टर्ब थी चुको आको तवको क्या पा तो पीटीआई की हुकूमत के डिसलॉज कर तवको क्या तो खान साहब घर में वेही रो तो यो पे भी मुमकिन पे समझा और हाँ भी जो ये गाल मुमकिन ना तो समझा तो अचान वे दी में पाकिस्तान एक मुश्किल दौर आ सख्त दौर आ इकोनॉमी के हवा सेो सियासत के हवा से इंटरनेशनल रिलेशन के हवा से मान तो मलकूबो जो अठ नव जमातों इनके घड़ो हलए सके तो पो इन किथे न किथे इनके खत्म करे और असा इलेक्शन में वनो पव उनमें ही एक स्टेबल हुकूमत ठहंदी जे पाकिस्तान जो मौजूदा इशूज आन उनके एड्रेस करे तो मुझे नजर में जो सो इन मेल जरूरी है और ये लगे तो पो तो शायद पी एम एल एन डी ए रियलाइज की गाल तो ये जो इन मेल दलदल आ जैसे दलदल में फाता हूँ दलदल में निकल तमाम जरूरी है तो समझा तो जो इन दलदल में निकल की कोशिश न कंदा आराम से उनके जोर लाए जो सो पान के रो हेठ कंदा तो उनको नतीजो जो मुख्तलिफ पार्टियों के मतलब ढो खराब निकल तो मैं ये समझा तो पो अचान वे दिन में सूरत हाल इन निकल लाए दलदल में निकल के लिए बेहतर सूरत हाल यह है तो असा एक फ्रेश मैंडेट लाए वो फ्रेश इलेक्शन डॉक्टर साहब इमरान खान साहब जैसे गवर्नमेंट में हो भी आइसोलेट हो पे इतिहादन के उन तरीके से न खो हाँ भी इमरान खान की सारी जी मूव आ ऑपोजिशन आ इदारन से उनको टारगेट है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जी तो उन अमेरिकन से उनको वो कन्फ्रंटेशन आ इन सारी सूरत हाल में तो इमरान खान भी तो एक्सेप्टेबल ना है नॉपुलिज्म खराब समझ के केतन गाले पीटीआई की पॉलिसीज से या खान साहब की पॉलिसीज से मुख्य इख्तलाफ आने में वे जो मुख्य इख्तलाफ यो हो तो उनके असेंबलीज के असेंबलीज के छड़न खपे आ उत रहन आने मल्ज पीटीआई जो नैशनल असेंबली हुए आ 140 मेंबर खड़ी वेठी हुए और 140 मेंबर तो उतने हुकूमत गाल ही न दियन तो उतने जो हुकूमत असेंबली में रोज किरी पी हुए तो समझा तो पे तो वो थोड़ी जी भी पर पॉपुलिज्म खान साहब के पास में लेट्स बी ऑनेस्ट एक्सेप्ट क्यों तो खास तौर से के पी के में पंजाब में जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी है वो खान साहब कर रहा सो उन अमल के अंदर यकीन प्रेशर है इदार के मतलब भी प्रेशर है और जाहिर है कुछ थोड़ा गुज़िश्ता बिन टिन महीन के अंदर ये प्रेशर बिल्ड जरूर थो सो हाँ जो उनके सोल्यूशन उनकी हाँ सोल्यूशन मैं नो समझा तो सवाई फ्रेश ठीक है उनमें इलेक्शन फेस की सके तो खान साहब के जो वो मौको न भी मिले पर घट में घटो एक असा एक फिल्टर थी जो सो सियासत वरी वापस थी ना ये तो जगह भी हुकूमत ठाई वही है कुछ लोटन की बुनियाद से दिखारा था वी मेंबर पांजो पीटीआई जो उनके दिखारे जरूर मैंने दिखाया था उनके टोड़ा रहे नेता हाँ वो चवन था असा डिफेक्शन ही न कई
कहिड़े लिहाज़ सां डिफेक्शन न कई? तव्हां वञी हुनजी कैंपुनि में वेठो, तव्हां वञी सिंध हाउस में वेठो, तव्हां पीपल्स पार्टी जे वञी जेको आहे उते तोखे ॿी डिफेक्शन छा थींदी आहे? सो मां मुंहिंजी नज़र में इहो जेको जी सी पी जो डिसीजन आयो आहे इहो बि तमामु ग़लति आहे। उस डिफेक्शन हुई तां इहो आख़िर दफ़ा हुनजा 172 या 74 वोट पूरा थी विया अथव, हुननि खणी हुनखां वोट न ॾियारिया, पर डिफेक्शन त थी चुकी हुई, हिन में त को ॿरायूं आहिनि ई कोन। डॉक्टर हिन महिल सुठी ॻाल्हि इहा आहे त बाबा 125 मेंबर रिज़ाइन करे हलिया विया, बाकी जेको बचियो आहे त उते न ऑपोज़िशन आहे न कुझु आहे, जेको हिकिड़ी हुकूमत आहे उहा बि मलगूब आहे 10-12 जमातुनि जी, उते बि हुनजा इख़्तिलाफ़ आहिनि। जीअं तव्हां मौलान साहिब जे लाइ ज़िक्र कयो था पिया, त मौलान साहिब जे यू आई जेको आहे सो हिते लोकल अलायंस में असां सां गॾु आहे, उहे लाड़काना अवामी इतिहाद हुजे या कमर शहदादपुर अवामी इतिहाद हुजे या इवन हुननि जेको आहे सो सीट पंहिंजी एडजस्टमेंट कई आहे अलीगौर ख़ान मोहर साहिब सां, जी डी ए सां कई अथऊं, घुटकी में नौशेरो फिरोज़ में हुननि कई आहे असांजे जतोई साहिब सां, जी डी ए सां कई अथऊं। त मां सम्झां थो पियो त हीअ हिकिड़ी क्लियर मैसेज आहे जे आई एफ जे तरफ़ां त बाबा असां सिंध में ऑपोज़िशन में आहियूं ऐं असां जेके ऑपोज़िशन जमातूं आहियूं उन्हनि सां असां साकार कंदासीं, उन्हनि सां असां पंहिंजी इलेक्शन अरेंजमेंट कंदासीं। ऐं मां मुंहिंजी नज़र में मौलाना साहिब यकीन जेके बि हिन महिल जेको जिते मथे थी रहियो आहे उनमें मां नथो सम्झो ख़ुशि आहे। सो हिकिड़ी तव्हां यकीन हुनखे मौलाना साहिब खे सॼा जुलूस जलसा कढाए हुनखे इस्तेमालु पर अॼु खपे आहे पी डी एम जे सरबराह जी हैसियत में बि उहा हुनखे न मिली पई आहे। सो हाणे जेको सिंध जे अंदरि वॾो क्लियर आहे बलदियाती इंतिखाबात में तव्हां ॾिसंदव त पंहिंजो जो एफ जिते किथे जेके ऑपोज़िशन जूं जमातूं आहिनि उन सां तव्हांखे हुनजी एडजस्टमेंट नज़र ईंदी। सो हिनजे हिनजी वजूहात आहिनि, मां सम्झो हिन वजूहात जेको सम्झण लाइ तयारु न आहे त उहो जेको आहे कंहिं अहमकनि जी जनत में थो रहे। डॉक्टर साहिब तव्हां पाण तव्हांखे ख़बर आहे त इलेक्शन ते हमेशह आङरियूं उथदियूं आहिनि ऐं हमेशह हर को चवंदो आहे त मुंहिंजी इलेक्शन चोराई वई आहे। तव्हांखे लॻे थो त रिफॉर्म्स खां पहिरियां जीअं ज़रदारी साहिब सां हज़ार इख़्तिलाफ़ थियणु थी सघनि था सियासी तौरु, पर उहा बि त इहा ई ॻाल्हि थो करे त इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आहिनि उन खां पोइ इलेक्शन करायो, तव्हांजो पंहिंजो ज़ाती ख़्यालु छा आहे त इन खां पहिरियां ई इलेक्शन में वञिजे? न, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कहिड़ा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स? मां सम्झां थो त तव्हां इंतज़ारु कंदो, माना ज़रदारी साहिब चए थो हे साल ॾेढी ॿी हुकूमत हलायूं न, माना सिंध में बि असां वेठा हुजऊं, मथे बि असां जेको आहे की वधारतूं वठी वियूं, पंजाब में बि असां 7 मेंबरनि ते जेको आहे 6 वधारतूं वठूं, माना इहा हुनजो मुतमाइन ॿियो हुनजो मुतमाइन नज़र छा आहे? ॻाल्हि त पुछाए थो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त एग्ज़िस्ट ई कोन थी करे पई पाकिस्तान जे अंदरि, ऐं इहा हिकु वफ़ाक़ी जमात रही कोन्हे, सिंध जे 8 या 10 दिलनि जी पार्टी आहे, उनजे बुनियाद ते तव्हां जेको आहे सो तव्हां पंहिंजे जुसे खां वधीक जेको आहे शयूं घुरण था चाहियो पिया। मां मुंहिंजी नज़र में मतिलबु पीपल्स अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इहा हैसियत कोन्हे का त हुनखे एतिरी कुझु मिले ऐं ॿिया माण्हू हुनखे बर्दाश्त कनि त बाबा सभु शयूं तव्हांजे असां वेठा बर्दाश्त कयूं। मां मुंहिंजी नज़र में थोरो ज़रदारी साहिब पंहिंजे जुस्से जे मुताबिक़ जेको आहे सो शयूं वठण जी कोशिशि करे रहियो, पहिरें बि हिन कोशिशि इहा कई त मां पंहिंजे जुस्से खां वधीक वठां त पंजाब हुनजे हथ मां निकिरी वियो, उते जेको जंहिंजी कोशिशि कई पंजाब में घिरण जी त हुन चयो वापसि वञ, तुंहिंजी का प्रेज़ेंस ई कोन्हे का मादल सां, सॉरी टू से दिस बट द इशू इज़ त बाबा हिन महिल ज़रदारी साहिब कोशिशि करे रहिया त बाबा हीउ सॼो निज़ाम हले ऐं मूंखे हिन जो वॾो वॾे में वॾो जेको बेनिफिशरी मां थियां। अॼु जे सिंध में बलदियाती इंतिखाबात तकड़ में पहिरें त चवनि था न कराईंदासीं, इलेक्शन कमीशन लिखी मोकिलियो त असां न कराईंदासीं, सडनली जेको आहे सो जे मथे चेंज आहे त चवंदो आहे बलदियाती इंतिखाबात करायो त जीअं हिन ते कब्ज़ो करे बलदियात ते ऐं असां पंहिंजो उन जे ज़रिए वरी ॿी इलेक्शन कढण जी कोशिशि कयूं सिंध में। मां सम्झां थो पियो त जेके इशूज़ आहिनि, इशूज़ हिन महिल पाकिस्तान जा तमामु ख़तरनाक हद ताईं वधी विया आहिनि, हिन में नई मैंडेट अचे, नवां हिकिड़ो जेको आहे पॉपुलिस्ट मैंडेट अचे ऐं उहो जेको बि अवाम फ़ैसिलो करे हुनजे मुताबिक़ हुकूमत उठनि। वरी महिरबानी मोहतरम डॉक्टर सफदर अबाज़ी साहब मूंसां गॾु हुनजो पॉइंट ऑफ व्यू पाण वाद ॿुधो था, हिन ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक।